और बताओ कल नोट छापे या नहीं? नहीं। अब यार ये मत बोलना कि नहीं छापे। अगर भाई मैंने जो कल की वीडियो में इतने गजब प्रेडिक्शंस दिए, इतनी बढ़िया टिप्स दी, जैसा बोला वीडियो में वैसा हुआ, अगर उसके बाद भी अगर किसी ने अगर मैच में अगर पैसे नहीं जीते कल वाले, तो भाई वो बेवकूफ। अब देखो यार, कल मैंने ये बोला हुआ था कि रेसी वेंडरसन मारेगा, मेरा मतलब प्रेडिक्शन है, पक्का मारेगा, उसने मार दिए। मैंने ये भी बोला था क्विंटन डिकॉक को स्टार्ट अच्छा मिलेगा, 30-40 रन बनाएगा, बट उससे ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाएगा और 37 रन पे आउट हो गया। ठीक है, मैंने भी बोला था वेस्टइंडीज टीम अगर पहले बॉलिंग करेगी तो डीजे ब्रावो 2 विकेट लेके जाएगा, विकेट वो लेगा, उसको 2 विकेट मिले। मैंने भी बोला था एविन लेविस और क्रिस गेल, ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स वेस्टइंडीज की तरफ से मारेंगे, और लॉजिकल जो था प्रेडिक्शन जो था वो लॉजिकल था। मैंने बोला था क्योंकि अफ्रीका की टीम में ऑफ स्पिनर नहीं है और इनको एडवांटेज है, और वैसा हुआ। एक तो ये साले बाल नहीं बन रहे कुत्ते, हट हट, बालों को इग्नोर करना यार, आज बाल कटवा लेंगे, छोड़ो। तो और तो वही चीज़ है, मैं जैसा बोला वैसा हुआ था मैच में। ठीक है, सारे प्रेडिक्शन सही गए, सब कुछ बढ़िया हुआ, और वैसे ही आज भी होने वाला है। तो जो मेरे प्रेडिक्शन हैं उनके बारे में कम से कम यार कुछ बोल दो। क्या बात है, ठीक है, फिर आज भी छापते हैं बढ़िया नोट, आज भी मैं देने वाला हूँ आपको प्रेडिक्शंस, बढ़िया टिप्स, कौन सा प्लेयर मारेगा, कौन सा नहीं, कौन सा प्लेयर विकेट लेगा, कौन सा प्लेयर नहीं, किस प्लेयर को कब लेना है, किस प्लेयर को कब ड्रॉप करना है, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में बात करेंगे। बट एक चीज़ मतलब आप याद रखना कि वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। भाई देखो, अगर वीडियो आपने पूरा नहीं देखा, अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप जानते हो क्या होगा, इतने तो आप समझदार हो ही, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और अगर आपने वीडियो अगर पूरा देख लिया उस, तो उसके जीतने के बाद जब वीडियो पूरा देख लोगे तो जीतना आपको कंफर्म है। फिर पैसा जीतने के बाद, सारे कॉन्टेस्ट जीतने के बाद, बढ़िया टीम बनाने के बाद, आप अपने ओपोनेंट्स के सामने कुछ ऐसे डांस करना, मस्ती करना। तो शुरू करें, ओके शुरू करते हैं। अच्छे हो गए और स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय, प्रायोजक बाय माय लियोन सर्कल। तो छोटे दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले, आज जो मैच होने वाला वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका का सेकंड T20 मैच, उसके हम ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे, टीम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, मैच प्रेडिक्शन देंगे, कौन सा प्लेयर कैसा करने वाला है, स्टैंड्स एंड एनालिसिस देंगे, पिच रिपोर्ट देंगे, फैंटेसी क्रिकेट की टिप्स भी देंगे। मेरी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स और मैच प्रेडिक्शन जो कि आप लोग को बेहद पसंद होती है, 70-80% लोग वही देखने के लिए वीडियो में आते हैं। बट आज की वीडियो में थोड़ा मस्ती मजाक भी करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना, शुरू से लेकर एंड तक मिस मत करना। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों का हम जो प्रमोशन करते हैं वो हमें कर लेने दो, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना काम भाई, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जो कि वेरीफाइड है, टेलीग्राम पर अनुराग द्विवेदी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पर जाके ज्वाइन करो। फैंटेसी क्रिकेट अगर आप खेलते हो तो आपको ये ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं पर मेरे फाइनल प्रेडिक्शंस, मेरे फाइनल ड्रीम 11 और बाकी सभी प्लेटफॉर्म की टीम्स यहीं पर आती हैं। गिवअवेज भी हर हफ्ते 2-3 गिवअवेज यहां पर आते हैं, आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं ज्वाइन किया तो कुछ नहीं किया, और इसको ज्वाइन कर डाला तो लाइव जिंगल डाला। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। सेकंड थिंग, आपको स्क्रीन पर कुछ नाम दिख रहे होंगे, ये जो नाम है ये हमारे गिवअवे के विनर्स हैं, हजार रुपये इन लोगों ने विन किए हैं, 10,000 नहीं, 1,000, क्योंकि भाई थोड़ा बजट कम है, IPL नहीं है ना, तो ये इन लोगों ने हमारे पिछली वीडियो में 3 गिवअवे के क्वेश्चंस का आंसर जो है सबसे पहले सही दिया था। हम 10 ही विनर देने वाले, बहुत सारे लोगों ने सही दिया, 1,000 लोगों ने सही दिया, बट ये जो सबसे पहले जो लोग आंसर करते हैं उन्हीं को हम देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, बेल आइकन को उन्होंने प्रेस कर रखा है, सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वो आंसर सही करते हैं। तो ये उनके विनर्स हैं, ये लोग प्लीज़ अपने अपने कमेंट्स से रिप्लाई में अपने अपना फोन पे और पेटीएम नंबर डाल दीजिए, आपका पैसा आप तक आ जाएगा। और जब आप नंबर कमेंट में रिप्लाई में डाल दें, हो सके तो हेल्पलाइन नंबर्स मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, कॉल करके बता देना कि मैंने डाल दिया, प्लीज़ पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा, वरना भूल भी सकते हैं भाई साहब। तो बाकी इस वीडियो में भी गिवअवे आपको मिलेगा, 3 सवाल आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, 3 क्वेश्चन, उनका आपको कमेंट करके मतलब सही जवाब देना है और आप फ्री में कैश विन कर लेंगे। बस शर्त ये है कि वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, फिर कमेंट करना है। ठीक है, अब यार देखो, इतने अच्छे प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, इतनी अच्छी टीम दे रहा हूँ, इतनी अच्छी टिप्स दे रहा हूँ, हर चीज़ आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, और आपसे मांगता क्या हूँ मैं, एक लाइक मांगता हूँ, तुम लोग वो भी नहीं करते यार, चीटिंग है। देखो यार,
एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये। ठीक है तो प्लीज लाइक वाइक सभी लोग कर देना, प्लीज सभी लोग लाइक कर देना यार, मेहनत करता हूँ यार, थोड़ा समझ जाओ ना यार। तो चलो हम इसकी शुरू करते हैं। चलो और हाँ एक बात याद रखना, अच्छे मैचेस हैं, अच्छे मैचेस में अगर पैसा लगाओगे तो अच्छा कमाओगे, मेरी तरह बनो। मैं एक एक दो दो मैच दिन में सेलेक्ट करता हूँ, अच्छे मैच में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और अच्छे मैचेस के साथ साथ अच्छी जगह पर खेलता हूँ। अगर आप फालतू मैच में पैसा लगाओगे, मैं भी पहले ऐसा करता था, फालतू मैचेस पैसा लगाता था हार जाता था, तो अच्छे मैच में पैसा लगाओ अच्छा कमाओ, ठीक है, वरना फिर आप वरना भी याद रखना हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। तो गाइस हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे टीम न्यूज से और वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका की टीम न्यूज आप सुन लीजिए। जानेमन मलर आ सकता है रिजे हेंड्रिक्स की जगह पर अफ्रीका की टीम में, बट चांसेस कम है। फिडेल एडवर्ड्स आ सकता है केविन सिंक्लेयर या फिर ओबेड मैकवाय की जगह पर, बट फिर भी अगेन वेरी 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 लेस चांसेस, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। और एक और अगर टीम न्यूज की बात करें तो एंडली फेलुक वायो शुड कम, ये कैन कम मैंने लिखा है, शुड कम। एंडली फेलुक वायो को खिलाना चाहिए हेंड्रिक क्लासन की जगह पर, क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी इनके पास बहुत है और जरूरत है एक मतलब सिक्स बॉलर की। लास्ट मैच में इन्होंने रिजे हेंड्रिक्स को एज अ सिक्स बॉलर यूज किया था, ये इतना बढ़िया ऑप्शन के पास बैठा हुआ है, उसको खिलाओ भाई साहब, ठीक है। चलो प्लेइंग 11 की बात करने से पहले बात करते हैं भाई माई 11 सर्कल की। देखो यार एक चीज बता दूं क्लियरली, माई 11 सर्कल पर आप लोग ग्रैंडली खेलो, क्योंकि माई 11 सर्कल पर आपको कम पैसे का एंट्री फीस में आपको ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत कम कॉम्पिटिशन है इनकी ग्रैंड लीग्स में, मेगा कॉन्टेस्ट में बहुत कम कॉम्पिटिशन है, पैसा का पैसा जीतो, लीडर बोर्ड का लीडर जीतो, फ्री में करोड़ रुपए हर महीने जीतो, उसके बाद क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जिसको मन उसको अपनी टीम में रखो, क्रेडिट का कोई भी इशू नहीं। और तो 1500 रुपए फ्री में आपको मिलेंगे अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो आपको लिंक मिल रहा है जाके उस लिंक से अगर ये डाउनलोड करते हो मेरे लिंक से, तो 1500 रुपए फ्री में बोनस मिलेगा। और पहली बार जब आप डिपॉजिट करोगे ना आपको 20% एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी मिलने वाला है। तो माई 11 सर्कल पर जाओ और करो, और ये कर जरूर लेना है। देखो इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ पर खेलने के, ड्रीम 11 पर कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, बाकी आप खुद मतलब कि समझदार हो, आपकी मर्जी, अगर आपको करना करो, नहीं नहीं मर्जी नहीं करो जाके यार, अगर तुम लोग करोगे नहीं भाई स्पॉन्सरशिप भी लोग नहीं देंगे, फिर अपना रोजी रोटी कैसे चलेगी भाई। तो प्लीज कर लेना, आपके फायदे की चीज है, अच्छी चीज है, गलत चीजें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, एक बार वैसे भी जिंदगी में झेल चुका हूँ प्लेइंग 11, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं प्लेइंग 11 की, बताते हैं तो प्लेइंग 11 वेस्ट इंडीज की रहने वाली है, एविन लेविस, एंड्रे फ्लेचर, क्रिस गेल के ऊपर एक शायरी बोल देता हूँ। चलो क्रिस गेल के ऊपर एक शायरी है, मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं, मेरे सारे के सारे दोस्त हैं मेल, मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं, मेरे सारे के सारे दोस्त हैं मेल, और सबसे बढ़िया अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो है क्रिस गेल। बोलो एंड्रे फ्लेचर एक सेकंड, उसके बाद निकोलस पूरन है, कैरन पोलार्ड है। चलो निकोलस पूरन के ऊपर भी एक एक एक, एक शायरी निकोलस पूरन के ऊपर भी, हाँ वो ये है, दो रुपए का खाके पतंजलि चूरन आया बैटिंग करने निकोलस पूरन, वाह 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 वाह, तारीफ कर देना कमेंट में, बहुत ही वाहियात जोक मारा है। उसके बाद एंडर रसेल, करन पोलार्ड है जो कि टीम का कैप्टन है, एंडर रसेल है, फिर जेसन होल्डर है, एंडर रसेल के ऊपर, चलो एंडर रसेल के ऊपर क्यों कहते हो आप लोग कि अनुराग भाई बॉडी बनाओ, जरा गौर से तो देखो मेरे मसल, क्यों कहते हो आप लोग अनुराग भाई बॉडी बनाओ, जरा गौर से तो देखो मेरे मसल, यू नो माई बॉडी इज बेटर देन एंडर रसेल, बाबा इंजरी तो नहीं होती, मतलब इतनी मेहनत भी नहीं करता, तबीयत भी नहीं खराब होती, सही है, फिट एकदम बॉडी। जेसन होल्डर है, जेसन होल्डर, अब देखो जेसन होल्डर के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, सुन लो जरा ध्यान से, जेसन होल्डर क्या लिखा था मैंने, हाँ एक जमाना था जब सबके फोन में म्यूजिक का होता था हनी सिंह नाम का एक अलग फोल्डर, होता था ना ऐसा कि एक जमाना था जब लोगों के फोन में हनी सिंह के नाम का होता था एक अलग फोल्डर, और बैटिंग से लो या बॉलिंग से देखो दोनों में ही बेस्ट है जेसन होल्डर, ठीक है। उसके बाद है डीजे ब्रावो, फैबियन एलन नाम क्यों रखा भाई, इसका तो नाम रखना चाहिए फैबियन एलियन, केविन सिंक्लेयर है, ओबेड मैकवाय है। और डीजे ब्रावो के बारे में एक चीज बताता हूँ, डीजे ब्रावो भाई साहब ये बंदा हर साल दो साल में एक नई शादी करता है, जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। साउथ अफ्रीका की अगर हम प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो आप देखो साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11, रिजे हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बाउमा देखने में नाटा गुरु बट है बहुत बढ़िया, रेसी वेंडर डसन, डेविड मिलर, ठीक है डेविड मिलर कुछ बन रहा है माइंड में, क्या बन रहा है, हाँ लड़कियां मेरी फैन नहीं और ना ही मैं किसी का हार्ट किलर, लड़कियां मेरी फैन नहीं और ना ही मैं किसी का हार्ट किलर, उसके आगे जो भी बने लगा दो आगे डेविड मिलर, ऐसा टाइम नहीं है,
हेनरी क्लासेन और एंडी फिलिप में से कोई एक, उसके बाद जॉर्ज लिंडे, कविश्वर बाटा, एंड्रिक नॉर्किया, लुंगियन गिरी, टैब्रेस सामसी। अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की तो आप देखो वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका की पिच रिपोर्ट, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, मीडियम पेसर्स को जो है वो थोड़ा हेल्प मिलने वाली है, मीडियम पेसर जैसे डीजे ब्रावो हो गया, एंडली फिलिप भी अच्छा मीडियम पेसर है, इसको भी हो सकता है। आप 160 से 180 रन आप फिर भी एक्सपेक्ट करिए, बस बारिश ना हो आप इतने रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और रेन के चांसेस हैं। ठीक, अगर हम बात करें थोड़ा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीमों के बीच में खेले गए 11 मैच जिसमें से 6 मैच हम थोड़ा सीरियस मोड पर आए हैं, 6 मैच जीते अफ्रीका ने और 5 मैच जीते वेस्ट इंडीज ने। हम बात करते हैं प्लेस परफॉर्मेंस की, जब दोनों टीम आमने सामने खेलती हैं तो कौन से प्लेयर कैसे रन स्कोर करते हैं आप देख लो। अरे आप ये आप स्क्रीन पर देख लो, ये लो पहले वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का आप देख लो, ये लो अफ्रीका का, ठीक है, और अब आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप पढ़ लेना, मैं इनके ऊपर फोकस नहीं करता, जो मेरा दिल कहता है मैं उन प्लेयर्स के ऊपर जाता हूँ, मैं रिकॉर्ड्स के ऊपर नहीं जाता क्योंकि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनते हैं। ठीक है, हम आते हैं प्लेयर्स बैटल के ऊपर, प्लेयर्स बैटल थोड़ा काम की चीज़ होती है, याद रखना क्रिस गेल को रबाडा ने 28 बॉलों में 2 बार आउट किया और 44 रन दिए, ठीक है, पिटा भी है बट आउट भी किया 2 बार। लेंडल सिमंस और टैब्रेस सामसी का रिकॉर्ड अब देखो, 10 बॉलों में 8 रन 2 बार, सामसी ने सिमंस को 2 बार आउट किया सिर्फ 10 बॉल्स में और 8 रन ही दिए हैं। निकोलस पुरन को सामसी का आप रिकॉर्ड देख लो, 19 बॉलों में 19 रन सिर्फ मारे हैं पुरन ने और 2 बार आउट हुआ है सामसी की बॉल पे, ठीक है, 19 बॉलों में सिर्फ। डिकॉक का और ब्रावो का आप रिकॉर्ड देख लो, 22 बॉलों में 25 रन सिर्फ मारे हैं और 2 बार आउट हुआ है। अब डिकॉक का एंड्रे रसेल के साथ देख लो, 25 बॉल में 45 रन मारे हैं, पीटा है पहला है बट 3 बार आउट भी हुआ है। अब आप देख लो डिकॉक का जेसन होल्डर के सामने 35 बॉल में सिर्फ 25 रन मार पाया है और 2 बार आउट हुआ है, तो पलरा भारी है भाई साहब ये वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का डिकॉक के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्लेयर्स बैटल। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका फैंटेसी क्रिकेट टिप और मैच प्रेडिक्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सीरियस हो जाना, सारे काम छोड़ दो और वीडियो को लाइक कर दो, अब फोन को एक जगह पर रख दो, हाथ पकड़ के सब साइलेंट फोकस करके सुनना मेरी बात। देखो पहली जो मैं टिप आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग करें तो आप निकोलस पुरन को जरूर अपनी टीम में ट्राई करो, ठीक है, चाहे आप एंडे फ्लेचर की जगह पर ट्राई करो, चाहे आप एक्स्ट्रा बैट्समैन ले लो, बट निकोलस पुरन को जरूर ट्राई करना अगर वेस्ट इंडीज टीम पहले बैटिंग करें। कैरन पोलार्ड को भी आप वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर पहली बैटिंग करें वेस्ट इंडीज तो आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग्स में, बट थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा स्मॉल लीग्स में, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, ठीक है, तो ये चीज़ है, हो सके तो स्मॉल ट्राई कर सकते हो, आपका पैसा है। बाकी सेम चीज़ अप्लाई होती है डेविड मिलर के ऊपर, हालांकि लास्ट मैच में कुछ कर नहीं पाया बट आज उम्मीदें कर लेंगे। डेविड मिलर को भी आप ट्राई कर सकते हो अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करे, स्मॉल लीग में भी या नहीं स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग टीम में रखना क्योंकि बहुत नीचे 5 नंबर पर ही आने वाला है, 6 नंबर पर बहुत नीचे हो जाएगा। फिर अगर बात करें फैबियन एलन को अगर आप अपनी टीम में रख रहे हो ना तो एज ए ऑलराउंडर मत रखना, सिर्फ एज ए बॉलर रखना क्योंकि उसकी बैटिंग आने के बहुत कम चांसेस है। वेस्ट इंडीज़ में मैच हो वेस्ट इंडीज़ की टीम हमेशा भारी रहती है, बैटिंग नहीं आ पाएगी मेरे ख्याल से, एज ए बॉलर अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट जॉर्ज लिंडे, ये आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है अगर साउथ अफ्रीका टीम अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करी तो जॉर्ज लिंडे को आप ट्राई कर सकते हो, ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, ठीक है। अगर और उसके बाद डीजे ब्रावो को आप ड्रॉप कर सकते हो अपनी टीम में अगर वेस्ट इंडीज की टीम अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करे तो ड्रॉप कर देना, कोई और बॉलर ले लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर अफ्रीका का ले लेना क्योंकि इनके डेथ ओवर विकेट तो गिर ही जाएंगे। बाकी रबाडा और नॉर्किया दोनों को अपनी टीम में रखना अगर अफ्रीका की टीम पहले बॉलिंग करे, दोनों विकेट लेंगे मैं बता रहा हूँ, दोनों को रखना अपनी टीम में, ये चीज़ आपको ये पॉइंट्स में आपको लीड दिलाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़ा मैच प्रेडिक्शन के ऊपर, तो वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका की मैच प्रेडिक्शंस की बात करें तो मेरे ख्याल से निकोलस पुरन और करन पोलार्ड ये दोनों तोड़ेंगे फोड़ेंगे जोड़ेंगे मोड़ेंगे थोड़ेंगे ये सब करेंगे ये मारेंगे अगर वेस्ट इंडीज टीम पहले बैटिंग करती है, और क्रिस गेल को आप तब भी आप कैप्टन कर सकते हो वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर वेस्ट इंडीज की टीम चेस भी करे तो क्रिस गेल मारने वाला है। कगिसोर बाडा और एंड्रिक नॉर्किया जो है ये दोनों मतलब बोझ को ना इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों विकेट लेने वाले हैं अगर अफ्रीका टीम पहले बॉलिंग अगर करेगी तो, सेकंड इनिंग में भी बॉलिंग करेगी तब भी विकेट ले सकते हैं आज तब भी विकेट लेंगे, बट मैं वो चीज़ कमिट नहीं कर रहा, बट फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे मैं पक्का कमिट में कर रहा हूँ विकेट लेने वाले हैं। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है दो दो विकेट ले, दो तीन विकेट ले ले, अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करेंगे हो सकता है एक ही दो विकेट लें, ये चीज़ है बस इतना फर्क है, बाकी विकेट मिलेंगे। जॉर्ज लिंडे सामसी दोनों को अपनी टीम में रखना अगर अफ्रीका टीम सेकंड इनिंग बॉलिंग करे, ये दोनों आपके लिए ट्रम्प प्लेयर, सामसी तो मोस्टली लोग पास होते पर लिंडे को ले नहीं, और लिंडे बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है एंड ही कैन बैट एज वेल, अगर बैटिंग आ जाती है खुदा ना खासा बैटिंग से भी अच्छा खासा रन बना के आपको दे सकता है, ठीक है, फायदा नुकसान क्या ले लेंगे टीम में बहुआ। लास्ट मैच में मैंने रैसी वाइंदर डेसन को बोला था, अब मैं ये नहीं बोला कि आज रैसी वाइंदर डेसन रन नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है, वो मार भी सकता है बट टीम में बहुआ रन बनाने वाला है, ये भाई बहुत तगड़ा बढ़िया प्लेयर है ये मारने वाला है।
डेविड मिलर का बोल ही चुका हूं मैं कि छोटी ही पारी खेलेगा, बट अगर पहले बैटिंग की अफ्रीका की टीम तो अच्छी पारी खेलेगा, 15 बॉल में 25 30 या 20 बॉल में 30 35 ऐसी पारी खेल जाएगा, ठीक है। जेसन होल्डर ये एटलीस्ट एक विकेट पावर प्ले मिलेगा। अब ये चीज समझ लो, अगर मेरा ये प्रेडिक्शन है तो ये है कि भाई अफ्रीका का एक विकेट पावर प्ले में गिरने वाला है और होल्डर वो विकेट लेने वाला है, ठीक है। ये हमारे कुछ प्रेडिक्शन हो गए और टिप्स हो गए, हम बात कर लेते हैं थोड़ा ड्रीम इलेवन टीम की बात करेंगे। बाकी आपको पता है जो हमारी फाइनल टीम है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लेकिन आप एक बार देख लो हमारी ये टीम जो टीम बनाई है इसमें क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कब करूंगा वो मैं आपको सारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो जरा मैं ओपन करूं, एक सेकेंड रुकना, आशिकी में तेरी, चचा चौधरी में तेरी, तो मैंने विकेट कीपर सेशन में एंड्रे फ्लेचर को लिया हुआ है। एंड्रे फ्लेचर है एक्चुअली मेरा दोस्त है और बहुत बातें होती है इसकी और ये मुझे फॉलो भी करता है इंस्टाग्राम पे, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्विंटन डिकॉक को मैंने लिया हुआ है और बैटिंग सेशन मैंने लिया टेम्बा बाउमा को, क्रिस गेल को, एविन लेविस को, रसिवंदर डसन को। ऑलराउंडर सेशन मैंने लिया एंड्रे रसेल को, जेसन होल्डर को, डीजे ब्रावो को। अब देखो यहाँ पर मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो अगर पहले बैटिंग करेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम तो मैं निकोलस फोरन को रखूंगा, चाहे मैं फ्लेचर की जगह पर रखूं, चाहे मैं किसी और की जगह लेविस की जगह पर रखूं, बट मैं पूरन को मैं जरूर अपनी टीम में रखूंगा। पहला चीज, अगर अफ्रीका की टीम पहली इनिंग बॉलिंग कर रही है तो मैं हो सकता है कि मैं डीजे ब्रावो को ड्रॉप करके मैं लूंगी एंगड़ी को ले लूं, एक्स्ट्रा बॉलर ले लूं अफ्रीका को, क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ मुझे पॉइंट्स में लीड दिलाने वाली है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैं अफ्रीका की टीम अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करेगी तो मैं कैसे ना कैसे पिक करके या तो मैं सामसी को रखूंगा फिर मैं जॉर्ज लिंडे को रखूंगा। आज मोस्टली चांस है कि मैं जॉर्ज लिंडे को अपनी टीम में रखूंगा, लेकिन जॉर्ज लिंडे को रखना थोड़ा रिस्की हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इनके पास बहुत है और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर बहुत कमी आउट कर पाता है, बहुत कमी आउट करता है, तो ये चीज़ें। हालांकि तो मैं सामसी को ही मोस्टली मैं कोशिश करूँगा, मैं सामसी को ही रखूँगा, तो ये चीज़ें हैं। और भाई मैं चेंजेस कर सकता हूँ, कैप्टन मैंने क्विंटन डिकॉक को किया एज डिफॉल्ट और वाइस कैप्टन मैं कर सकता हूँ टेम्बा बाउमा, टेम्बा बाउमा को मैं वाइस कैप्टन मैंने किया हुआ है इम्पैक्ट, और क्रिस गेल को भी मैं कर सकता हूँ ये चीज़। वो मैंने टॉस के बाद फाइनल टीम आपको जो मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं शाम को रात में 11 बजे जब इस मैच का टॉस होगा, मिलते हैं टेलीग्राम पर। प्लीज़ यार वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जो 3 गिवअवे क्वेश्चन आपको पीछे स्क्रीन पर दिखे हैं उनके जवाब दे देना। अगर आप जीत गए तो आपको 1000 रुपये फ्री मिल जाएंगे, 10 विनर बनने वाले हैं। तो चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय, बहुत सारे काम है ब्रो, बाय।